आज मालेगांव शहर के कुसुम्बा रोड पर अर्रदा हॉस्पिटल के इंचार्ज आरिफ बेग साहब और रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के PI थोरा साहब की जानिब से आवाम के अंदर मुफ्त मास्क तकसीम किए गए। लोगों को मास्क को देकर तरगीब दिलाई गई कि कोरोना वायरस जो है अभी हमारे शहर से ख़त्म नहीं हुआ है। हुकूमत के ज़रिए जो ढील दी गई है उसका नाजायज फ़ायदा आवाम ना उठाए और मास्क का इस्तेमाल करे। जिस दिन से जनता कर्फ्यू लगा है हम उस दिन से लगातार देख रहे हैं। हमारी दबंग मीडिया की टीमों ने हमेशा देखा कि अर्रदा हॉस्पिटल के जो इंचार्ज है जनाब आरिफ बेग साहब वो लोगों की आवाम की उस कंटिन्यू खिदमत कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को सैनिटाइज़र हैंड ग्लोव वगैरह कंटिन्यू पहुंचा रहे हैं। हम अर्रदा हॉस्पिटल के इंचार्ज आरिफ बेग साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं दबंग मीडिया की जानिब से। ये जो मास्क बांटा जा रहा है ये अर्रदा हॉस्पिटल के डॉक्टर आरिफ बेग साहब की तरफ से है। उन्होंने कम से कम इस जगह पर 500 मास्क दे के आए। हम सबको जिसको मास्क है उसको बांटा देंगे और लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिगर मास्क के घूमना कानूनी जुर्म है। उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस जिसको मास्क है हम उसको मास्क दे रहे हैं। अगर ऐसे करते हुए भी बिगर मास्क घूमते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। और दूसरी बात ये है हम जिसके पास मास्क नहीं और बिगर मास्क घूमते हैं उसके खिलाफ हम IPC 188 के तहत कार्रवाई करते हैं। और दूसरी बात यह है कि डबल सीट घूमना ही मना है क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस रहता नहीं, इसलिए मोटरसाइकिल एक ही आदमी घूमना चाहिए, एक ही आदमी लेके जाना चाहिए। डबल सीट को अलाउड नहीं है। इसके खिलाफ ही हम कार्रवाई करते हैं। इसी खिलाफ हम मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस इधर चल रही है। जैसे कि सर ने आपको बताया कि अभी दफे वो कार्रवाई कर रहे हैं तो आवाम से गुजारिश भी कर रहे हैं कि वो डबल सीट ना घूमे। डबल सीट घूमने पर भी कार्रवाई होगी, जो मास्क नहीं लगाएंगे उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के हमारे PI साहब गए इनकी जानिब से और हमारे अर्रदा हॉस्पिटल के जो आरिफ बेग साहब है ये अपने जाति दिलचस्पियों से और अपने दुख जाति पैसे से लोगों को मास्क तकसीम कर रहे हैं। लोगों को तरकीब दिला रहे हैं कि वो मास्क लगाए, बिना मास्क के ना घूमे। जैसे मालेगांव से मोहम्मद आबिद, कैमरामैन।